पुदीना की ये टहनी ऐसे काट लेंगे, इस तरीके से लगाएंगे हम पुदीना। पुदीने की कटिंग इस तरीके से, तो देखिए ये कटिंग। चलिए अब इसे लगाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम इसकी इस तरीके से पत्ती तोड़ देंगे और इस तरीके से लगा देंगे। इसको कोई खास मिट्टी नहीं चाहिए होती है, जो भी मिले आपको लगा दे। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं डालना है, इसमें गोबर की खाद और मिट्टी, जो भी मिट्टी मिले वो मिट्टी। ऐसे ही हम इसे भी लगा देंगे। पुदीना गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, आम की चटनी वगैरह बनाने में बड़ा काम आता है। पानी का बतासा बना तो उसके पानी के बतासे के लिए भी काम आता है। पानी के लिए पुदीना बहुत ही लाभदायक होता है। तो देखिए फ्रेंड, पुदीना हमारा लग गया है। अब हम इसमें देंगे पानी। और आप देखेंगे महीने भर के अंदर ये बढ़ने लगेगा और इसकी जड़ें भी निकल आएंगी। आप बीज, अगर आपके पास पुदीना ना हो तो आप बीज भी ला के लगा सकते हैं। बीज की दुकान पे आराम से मिल जाएगा आपको पुदीना का बीज। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं। फ्रेंड देखिए, एक महीना हो गया और हमारा पुदीना कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। देखिए कितने अच्छे से बढ़ रहा है। और इसमें थोड़ा सा गोबर लगा देंगे सड़ा हुआ, ताकि पुदीने की ग्रोथ अच्छे से हो। तो देखिए फ्रेंड, पुदीना हमारा तैयार है। ये देखिए एक महीने में कितना ग्रोथ किया है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।